नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस, 233 लोगों की हुई मौत, वहीं 900 से ज्यादा लोग हुए घायल। रेलवे ने इस हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए जबकि घायलों को 2-2 लाख का दिया जाएगा मुआवजा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का दिया आदेश। ओडिशा रेल हादसे के चलते बीजेपी ने स्थगित किए मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित सभी कार्यक्रम, साथ ही रद्द हुआ मुंबई गोवा के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। मुंबई में मानसून जल्द देगी दस्तक, आसमान पर छाने लगे काले काले बादल, 10 जून तक बारिश होने की संभावना। बांद्रा बैंडस्टैंड में सनसनीखेज वारदात, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर प्रेमी द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने के बाद 28 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। मुंबई के जोगेश्वरी, अंधेरी और विलेपाले के कई इलाकों में 5 जून को होगी पानी की किल्लत, प्रभावित जल सेतु को तोड़ने के कार्यों से जलापूर्ति रहेगी बाधित। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से मारी टक्कर, सिर पर चोट लगने से मौके पर ही हुई मौत। अब कैंसर का इलाज होगा आसान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे टाटा मेमोरियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक देगा करोड़ों का योगदान। मुंबई के जेजे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, आगामी सोमवार से डॉक्टर कर सकते हैं राज्य स्तरीय हड़ताल। मुंबई के वाकोला में बिजली के खंभे के संपर्क में आने से 6 साल के बच्चे की मौत जबकि एक अन्य रूप से घायल। इन24 न्यूज के लगातार खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।